मेरा चैलेंज है, सचमुच आज आपको मेरा चैलेंज है। आज इस वीडियो को देखने के बाद आप छेने की मिठाई में कोई गलती कर ही नहीं सकते, कोई भी टाइप की बनाइए, क्योंकि आज मैं लाई हूँ आपके लिए ऐसी 5 ट्रिक जिससे देखने के बाद कोई गलती हो ही नहीं सकती। परफेक्ट छेने की मिठाई बनाने के लिए हमें ये प्रॉब्लम होती है कि ताज़ा दूध कहाँ से लाएँ, काओ मिल्क, बफेलो मिल्क कहाँ से लाएं, क्योंकि आजकल इजीली मिलता नहीं है। तो वो प्रॉब्लम भी मैंने आपकी सॉल्व कर दी है। कोई भी थैली वाला दूध, जो भी फुल फैट आपको दूध मिलता है वो आप ले लीजिए। तो बस वो दूध मैंने ले लिया है, 1 लीटर दूध ले लेते हैं। आप तो जानते ही हो दूध का पतीला रखने से पहले मैं थोड़ा सा पानी ज़रूर डालती हूँ। एक बात है, दूध कच्चा ही होना चाहिए, पहले से उबला हुआ नहीं होना चाहिए। वैसे मेरे व्यूअर्स बहुत समझदार हैं, काफ़ी टाइम से मैं आपको छेने की मिठाई दे रही हूँ, तो काफ़ी चीज़ें तो आप समझ ही गए होंगे। जो थोड़े बहुत डाउट्स हैं वो हम आज क्लियर कर ही देते हैं। एक और बात, मुझे पता है मेरे व्यूअर्स मुझे बेहद प्यार करते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखते हैं कि दिल खुश हो जाता है, दिन बन जाता है। आपका और लाइक भी मिल जाए ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, मुझे और अच्छा करने का मन करता है। तो ये काम ज़रूर किया कीजिए। दूध उबल चुका है, दिवाली बोनस गिफ्ट तो ये आपको मिली गई कि आप थैली वाला दूध ले सकते हो छेना बनाने के लिए। गैस बंद कर देते हैं। अब ट्रिक नंबर 1 आती है, जो कि दूध का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए परफेक्ट छेना बनाने के लिए। ये दूध बहुत गर्म है, मतलब आधा रह जाए, इसकी गर्माई इतनी ख़त्म हो जाए कि बस आधा, जैसे हम पतीले को खुद उठा लें बस इतना। तो इसे हमें ठंडा करना है, छोड़ नहीं देना है, ये खास ट्रिक है, इसे ठंडा करते रहना। अब लेते हैं इस दूध को, पतीले को देखिए, मैं छू पा रही हूँ बहुत अच्छे से, काफ़ी ठंडा हो चुका है। अब इसे फाड़ने की बारी आती है। नींबू के रस से फाड़ सकते हो, पर नींबू ज़्यादा खट्टा होता है, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि सिरका ले लीजिए। ये देखिए 2 चम्मच मैंने सिरका लिया है, और इसमें मैंने 7 से 8 चम्मच डाल दूँगी इसमें पानी। इस तरीके से डाइल्यूट करके डालना है, डायरेक्ट नहीं डालना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सिरका डालना है इसके अंदर और इसे फाड़ना है। मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लाती हूँ, उसे अकेले अकेले एंजॉय मत किया कीजिए, इसे शेयर किया कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। जब तक ये दूध फटता नहीं है तब तक हमें डालना होता है। इन केस अगर दूध जल्दी फट जाता है, जैसे ये देखिए ग्रीन पानी अलग हो गया है, तो ये जो बचा हुआ सिरका है वो नहीं डालना है, और काफ़ी अच्छी मात्रा में, तो इसी वजह से निकलता है। अब हम इसे ड्रेन आउट करते हैं इसका पानी। यहाँ पे कॉटन का कपड़ा लिया है, आप कोई घर की चुन्नी भी ले सकते हो, लेकिन सिंथेटिक नहीं होना चाहिए। अगर ये पानी हरा नहीं होगा तो छेना हमारा कम निकलेगा, तो इस बात का खास ख्याल रखें। इसमें थोड़ा पानी डालकर इसकी खटास को निकाल दें। अब इसे इस तरीके से स्क्वीज़ कीजिए। अब आती है ट्रिक नंबर 2, हम इसे कैसे, कितना इसे स्क्वीज़ करें। बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ करोगे, एकदम से इसके ऊपर कोई बर्तन रख दोगे या कोई भार रख दोगे, पनीर जैसा बना दोगे, तो आपका छेने की मिठाई नहीं बनेगी। और एक बात, अगर आपने यूँ गीला ही बनाना शुरू कर दिया तो शेप नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इसे इतना पानी इसका निकालना है कि पूरी ये धार जो बह रही है ना ये ख़त्म हो जाए, और उसके बाद आपको एक रोएदार कपड़े में इसको रखना है 15 से 20 मिनट के लिए। जो थोड़ा बहुत ज़्यादा अगर मॉइस्चर है तो वो रोएदार जो कपड़ा होता है, टॉवेल होता है, वो सोख लेता है इसको। ये देखिए इस पोटली में से पानी निकलना बिल्कुल बंद हो गया है। अब हम टॉवेल के अंदर इसे रखेंगे। ये छोटी सी ट्रिक है लेकिन बड़े काम की है। अब आपको जो ये छेना मिलेगा इतना परफेक्ट मिलेगा कि आप इसे बना सकेंगे, 15 से 20 मिनट रख सकते हैं, छेने को थोड़ा रेस्ट मिल जाए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब ये जो नैपकिन है ना, ये गीला हो गया, इसका मतलब जो जितना मुझे मॉइस्चर चाहिए था उतना ही दिया है, ऐसा सॉफ्ट भी अच्छा है ना, और बहुत ज़्यादा एक्सेस गीला नहीं है। एक और बात, 1 लीटर दूध से 1 किलो छेने की मिठाई बन जाती है, बहुत सस्ती पड़ती है, मार्केट से 4 गुना सस्ती। तो इस छेने को हमें इस तरीके से हाथों से मसलना है। मसलने का खास ध्यान रखें, ये छोटी सी ट्रिक है, इसे आप हमेशा हथेली से इस तरीके से जो होता है हथेली से ऐसे मसलें। देखिए ये जो छेना है ना, ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसी टाइप का हमें चाहिए होता है। बहुत आसान है इसे बनाना, इस वाले चमचम को तो हमें बहुत ज़्यादा मसलना भी नहीं है,
क्योंकि इसमें हम कुछ इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। ये देखिए, ये जो मेजरिंग स्पून होता है 1 टीस्पून, तो ये बारीक वाली जो सूजी होती है हमारे घर में 1, ये 2 टीस्पून हमें बारीक वाली सूजी डालनी है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। 1, 2, 3, ये 4 मैंने डाल दिया। रसगुल्ले से चमचम का टेक्सचर थोड़ा अलग होता है। चमचम जो होता है हम काफ़ी दिनों तक रख कर इन्जॉय कर सकते हैं, थोड़ा सा हार्ड होता है। जो स्पॉन्जी रसगुल्ला होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो उसमें हम इतनी सारी चीज़ें नहीं डालते, लेकिन इसमें ये डालनी होती है। एक और चीज़, इसमें हमें 4 पिंच डालना है बेकिंग पाउडर। ये देखिए, 1 पिंच इतना होता है, 1, 2, 3, ये 4, ये बेकिंग पाउडर डाल दिया मैंने। 2 पिंच इसी तरीके से बेकिंग सोडा। बस कोई रीठा, कोई हाइड्रो, आपको कुछ नहीं डालना है। मार्केट में रंग कार्ड हाइड्रो जिसको बोलते हैं, वो डाला जाता है, जो कि कास्टिक सोडा जैसा होता है, तो वो बिल्कुल ना डालें। ये सारी चीज़ें डालने से क्या होता है, ये सूजी जो होती है ना, जिसकी वजह से जब हम मसलते हैं तो बहुत कम टाइम में ये अच्छे से मसल जाता है, और रसगुल्ले में सूजी नहीं डालते तो उसे हमें ज़्यादा मसलना होता है। तो ये आपने सेकंड ट्रिक आपने देख ली है, बढ़िया। अब इसमें वाइट बनाना चाहे तो कलर वगैरह डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप थोड़ा सा चमचम कलर वाला बनाते हैं, जैसे मार्केट में मिलता है, जैसे मैं अभी येलो कलर डाल रही हूँ, बस वो कलर इस वक्त डाल दीजिए। जब इसमें कलर परफेक्ट मिक्स हो जाए तब आप इसको अलग अलग पार्ट में बना लीजिए। बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं, क्योंकि फूलते भी हैं, डबल हो जाते हैं। 14 पार्ट मैंने इसके बना लिए हैं, 1 किलो में हमें इतने ही मिलते हैं। और इसे आप गोल शेप दें, वैसे चमचम बना रहे हैं तो अपन इसको लंबा ही शेप देंगे। अभी इसकी साइज़ आप देख लीजिए मैं कितनी बना रही हूँ, उसके बाद जो बनने के बाद साइज़ देखेंगे वो भी आप देखेंगे। बस दोनों हथेलियों से अच्छे से रब कीजिए। इनकेस, यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, बाई चांस कभी ऐसा लगता है कि आपको छेना जो है ना थोड़ा सा ढीला लग रहा है, परफेक्ट शेप नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करिए, 15-20 मिनट इसे फ्रिज में रख दीजिए। तो ये जो सूजी है इसके अंदर, इसका जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर अगर ज़्यादा हो गया वो पी लेगी। आपको मेरी रेसिपी बनाना बहुत आसान लगती हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बोलते हो। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, नए हो तो इस परिवार को बढ़ाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ मैंने इसको शेप दे दिया है, एक छोटू सा पार्ट मेरे पास बचता है। जब आप छेने के बॉल्स डालते हैं तो ये सही उबल रहा है कि नहीं, तो मैं टेस्टिंग के लिए छोटा सा पार्ट ज़रूर डालती हूँ। आप भी इसी तरीके से किया कीजिए, परफेक्ट बनेंगे। अब चलते हैं गैस पर चीनी की चाशनी बनाने के लिए। तो खास बातें कुछ चेंज है, तो 1/2 किलो हमें चीनी लेनी है। बाद में भले ही हमें ये जो चाशनी है काम आ जाएगी, लेकिन शुरू में चाहिए। ये रसगुल्ले से थोड़े अलग होंगे। रसगुल्ले कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बहुत सारी बार बताया है, उन सब की लिंक भी मैं दे दूँगी। यहाँ मैंने सिर्फ 250 ml अभी इसमें पानी डाला है, और यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 कप पानी उबलने के लिए अलग से रख दिया है। आप बहुत छोटे छोटे वाले बना सकते हो, जिसमें टूथपिक लगाकर हम यूज़ करते हैं, या फिर बड़े बना सकते हो, जैसे आप बनाएं। आज के जो 5 ट्रिक्स अगर आपने फॉलो किए तो आप भी बहुत ही परफेक्ट बना लेंगे। यहाँ पर एक और ट्रिक है, जो कि हमें गैस की फ्लेम फुल चाहिए, मतलब जो भी गैस आपका फुल जल रहा है उसी पर ही आप रसगुल्ले बनाइए। ये जो रसगुल्ले होते हैं इन्हें फ्राई नहीं किया जाता, इसे झाग में पकाया जाता है, इसलिए हलवाई लोग इसमें रीठा डालते हैं। रीठा अगर आपके पास है तो थोड़ा सा भिगा के रख लीजिए और उसके कुछ ड्रॉप्स पानी के डाल दीजिए रीठे के, क्योंकि वो थोड़ा सा कसेला होता है, अगर ज़्यादा आपने डाल दिया तो गड़बड़ हो सकती है। या फिर ढक्कन होना चाहिए जिसकी वजह से यहाँ पर झाग बने। अब यहाँ पर चीनी है ज़्यादा, पानी है कम, तो इसकी झाग बन रही है, इसी झाग में हम चमचम को पकाएंगे। अभी मैं एक एक करके इसमें मैं चमचम डालती जा रही हूँ। पानी ठंडा आपको बिल्कुल नहीं डालना है, उबला हुआ साइड से जो रखा है वही डालना है। अब हमें 5 मिनट इसे बिल्कुल टच नहीं करना है। कुल मिला के ये जो 5वीं ट्रिक आपको बता रही हूँ, हमें 15 से 16 मिनट लग सकते हैं इसे पकाने में, डिपेंड करता है आँच पर। बीच बीच में हमें थोड़ा सा चला के, जैसे 5 मिनट हो गए तो एक करछी पानी ली उबलती हुई और इसके अंदर डाल दी, और हल्के आंच से, मतलब
करछी का ये वाला पार्ट नहीं लगना चाहिए वरना ब्रेक हो जाते हैं, आप ये वाले पार्ट से उसे चलाइए। बहुत ही डेलिकेट होते हैं ना, स्पॉन्जी होते हैं, इसलिए ये सब प्रॉब्लम होती है। तो आप बिल्कुल मत डरिए, अब आप इन सारे पांच ट्रिक्स को फॉलो करते हुए हर घर में, मैं कहती हूँ हर घर में ये छेने के जो भी हम मिठाई बनाते हैं ज़रूर बनेगी इस दिवाली। 8 मिनट करीब हो चुके हैं, अब अच्छे से ये झाग में पक रहे हैं, तो अभी हमें क्या इसका ढक्कन हटा देना है, अभी इसे खुले में पकने देना है। ये पहचान ये होती है कि जो चमचम है ये नीचे बैठने लगते हैं, अब तैरते नहीं हैं, बड़ी साइज़ भी हो जाती है। तो इस तरीके से ये लास्ट जो पानी था वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब ये देखिए इसकी शक्ल भी बता रही है कि ये बन चुके हैं। अब हम इसे इसी चाशनी के अंदर रखेंगे, गैस बंद कर देंगे, और लास्ट में मैं इसको फ्लेवर के लिए दे रही हूँ थोड़ा सा केवड़ा एसेंस। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस कुछ ड्रॉप्स ही डालना है, 3 से 4 ड्रॉप्स। अब ये इसी रसे में पड़े रहें, चमचम हमारे परफेक्ट बनकर तैयार हो गए हैं और ठंडे भी हो गए हैं। अब बारी आती है इसे खाने की, सर्व करने की। तो चलिए देखते हैं कैसे लग रहे हैं, कितने बढ़िया बने हैं, बहुत ही जूसी बने हैं। इसे आप ऐसे स्क्वीज करेंगे ना, बहुत ही बढ़िया इस रस की चाशनी की बिल्कुल धार बनेगी, इसका मतलब ये काफ़ी जूसी है। इसका टेक्स्चर भी बहुत बढ़िया आया है, मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। रसगुल्ले से इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि ये पानी वाली चाशनी नहीं होती है, ये काफ़ी गाढ़ी चाशनी होती है। और एक और बात, इस चाशनी से निकाल कर आप इसे नारियल के बुरादे में लपेट कर अगर रखेंगे तो इसकी शेल्फ लाइफ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस चाशनी का आप कुछ और यूज़ कर सकते हैं, किसी भी मिठाई बना सकते हैं, जैसे बेसन की मिठाई में, या फिर कोई मीठी ब्रेड या कोई पुडिंग, किसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। बस इस चमचम को बनाने में बस एक ही हमारे यहाँ कमी रह जाती है घर में, वो ये रह जाती है कि थोड़े से फ्लैट होते हैं, हालांकि थोड़े फ्लैट अच्छे लगते हैं पर थोड़े से होते हैं, क्योंकि हमारे पास बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ नहीं होती, उनके पास बड़ी कढ़ाई होती है और बड़ी एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, जिसकी वजह से नीचे गोल कढ़ाई होने की वजह से इनका शेप नहीं बिगड़ता। अब आपको मैंने 5 ट्रिक्स ऐसी दी हैं जिसकी वजह से छेना बनेगा हर घर में इस दिवाली, तो बनाइए ज़रूर, इंजॉय कीजिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे कट करके, ये जाली देख रहे हैं आप, कितना रसेदार बनाया ना ये चमचम, बिल्कुल अंदर तक रस टपक रहा है। तो ये बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा टेक्सचर है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे आप एक बार बनाएंगे ना, अगर आपका परफेक्ट बन गया तो इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको लगेगा बार बार यही मिठाई बनाई जाए। इसे मैं चाशनी से निकाल रही हूँ, नारियल का बुरादा आपको अच्छा लगेगा, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इस तरीके से हल्का सा रैप कर लीजिए, और नहीं पसंद है रैप करना तो कोई बात नहीं, इसी तरीके से इंजॉय कीजिए। जब हम शुरू में बना रहे थे तब आपको यही लगा होगा 1/2 kg चीनी, वो चीनी अब आपको वापस मिल गई, जितना उसने लेनी थी ले ली, अब वो वापस आपके पास ही है। तो यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं ना, तैयार हो गए हैं, इसी तरीके से मार्केट में बने हुए मिलते हैं ना, मेरे भी चमचम तैयार हैं। और तो और ये चाशनी भी बच गई है, अगर हम हाइड्रो या रीठा डालते ना तो ये चाशनी हमें फेंकनी पड़ती, अब ये चाशनी हमारी यूज़ होगी दूसरी रेसिपी।